आपका स्वागत है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के रामपुर में लग रहा 23वां हुनर हाट और रोजाना हम आपको नए नए लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्मिता राव जी, जिन्होंने अपने गाने से लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई रामपुर के अंदर भी ऐसी आवाज़ गूंज सकती है। तो स्मिता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हुनर हाट में आने के बाद और खासकर रामपुर में गाने के बाद कैसा महसूस कर? मुझे हुनर हाट में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ के स्टॉल्स देख के और इस कोशिश में कितनी अच्छी सोच है, यानी लोकल टैलेंट को बढ़ाना और लोगों के वेयर्स को, यानी जो वो बनाते हैं उसको एक मंच देना बिकवाने के लिए, और गाने वालों को जो नाचने की हुनर रखते हैं, तो ये बहुत यूनिक आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की तरफ से इसकी पहल की गई है, वोकल फॉर लोकल मिशन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, उसके साथ में इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और जितने भी रामपुर के लोकल लोग हैं, इसके साथ साथ दिल्ली और बाहर के देशों से भी लोग आए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस हुनर हाट को और किस तरीके से देखते हैं एक संगीतकार होने के नाते इस हुनर हाट को? अगर देखा जाए तो कोविड के टाइम में आर्टिस्टों को, कलाकारों को बिल्कुल काम नहीं मिल रहा था, और इस वजह से लोग परेशान थे, रोज़ी रोटी नहीं थी और अपना चूल्हा चलाना घर में बहुत ही दिक्कत हो रही थी उसमें। तो ऐसे प्रोग्राम अगर खुल जाएं हमारे आर्टिस्ट बंधुओं को, हमारे आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को, तो उनको एक आमदनी का ज़रिया मिल सकता है, और ऐसे प्रोग्राम्स कई होने चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए मेरे ख्याल से। हुनर हाट के अंदर रामपुर में आने के बाद लोगों के अंदर जुनून कैसा देखने को मिला? बहुत अच्छा लगा कि सर्दी में, इतने ठंड में लोग आ रहे हैं सुनने को और दाद दे रहे हैं। एक्चुअली मुझे नजराना भी मिला, यानी नजराना तब देते हैं जब किसी को बहुत पसंद आता है, प्यार से देते हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बने रहिएगा मर्सल, क्योंकि रामपुर में भी बहुत लोगों से हम आपको मिलवाएंगे।